मतलब पूरा कच्चा रोड है, मिट्टी का ऊंचा नीचा सा रोड है, तो भाई वो देखना कितना एडवेंचर है एक तरीके से। तो भाई भाई गाड़ी पूरी ठंडी हो चुकी थी, नींद खुल गई अचानक से, क्योंकि जब सोया था तब हीटर चला के गर्म करवा ली थी, तो भैया बाहर निकल गए बंद करके, पता नहीं कब कब मैं तो ठंड लगी, तो फिर वापस से उठ गया, फिर भैया को बुला के वापस से भाई गाड़ी स्टार्ट करवाई है और हीटर चलवाया है, चार पे चला रखा है भाई, चार पे चला रखा है हीटर, तब जाके थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन हुआ है। इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि बाहर जाके आग जल रही है, यहाँ जाके हाथ पैर सेक लूँ। भाई बहुत ठंड है, सच में बहुत ठंड है, नींद भी आधी कच्ची सी रह गई यार, अब बहुत नींद आ रही है सच में, वापस से फिर पूरी नींद आएगी नहीं, हाँ वो मिर्ची सी लग रही है। तो भाई फिलहाल देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, नींद तो भाई देखो कंप्लीट घर जा के ही होगी बिल्कुल, यहाँ पर नहीं हो सकती भाई, कितना भी तुम सो लो घर जैसा फील नहीं आ पाएगा कहीं पे भी, तुम कितनी भी बढ़िया होटल में रुक जाओ, किसी के भी घर पे रुक जाओ, लेकिन नींद आपको अपने घर पे ही आएगी। तो करते हैं भाई, आज आज का फंक्शन था इनका, तो आराम से घर जाके सोएंगे, दिन मस्त ना लगे खाना वाना खा के। भाई सुबह का हो रहा है अभी टाइम 5:48 और हम रोडों पे ऐसे ही घूम रहे हैं, वहाँ भी मन नहीं लग रहा है इसलिए इधर आ गए मेरे गाँव की साइड, कुछ सामान लेके जाना था तो सामान लेके जा रहे हैं, बाकी भाई ठंड इतनी पड़ रही है, मैं तो शॉल ओढ़ के बैठा था, अभी गाड़ी में आया तो हीटर की वजह से ये खोल के रख लिए, शॉल गले में डाल लिया, भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 5 है यहाँ का। और भाई अभी हम जिस रास्ते से जाएंगे ना, वो देखना भाई कितना ऑफ रोडिंग होने वाला है, मतलब पूरा कच्चा रोड है मिट्टी का, ऊंचा नीचा सा रोड है, तो भाई वो देखना कितना एडवेंचर है एक तरीके से, तो भाई ऑफ रोडिंग लाइक ही है वो, तो भाई वो देखना आप। ये देखो भाई आगे वापस से वही रोड नीचे था या तो भाई फिलहाल टाइम हो रहा है 8:30 और आँखों में आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, क्योंकि पूरी रात होगी उठे उठे, तो भाई अभी जा रहे हैं हम कचौड़ी वगैरह का नाश्ता करने जा रहे हैं, क्योंकि भूख लग रही है, अब लड़की वालों के पास कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं सुबह पहले, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी विदाई वगैरह सब चीज़ होगी, तो इसलिए तो हम बाहर ही खाने आ गए भैया वगैरह हम सब। भाई अभी इनका फिक्स ही नहीं हो रहा कितने बजे यहाँ से निकलना है यार, हम परेशान हो गए सच में, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बाल कैसे हो रहे हैं, तो अब देखो कितने बजे निकलते हैं यहाँ से लोग, यहाँ से 2-2.5 घंटे गांव पहुँचने के भी लगेंगे, तो देखते हैं भाई अब क्या होता है क्या नहीं होता, पहले खाना पेट पूजा तो करें सबसे पहले। काफ़ी देर से गाड़ी में वेट कर रहे थे हम, तो गर्मा गर्म कचौरी सीख के आ चुकी है अपनी, खाते हैं अपन, वही पेश है गर्मा गर्म सब्जी के साथ कचौरी विद दही मिर्ची, तो खाते हैं और चलते हैं घर, निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज ये हमारा दूसरा नाश्ता आ चुका है, पहला हमने हमारे पैसों से खाया था, दूसरा शादी वालों के पैसों से खाया है, ये इनके भैया की शादी है तो इनके पैसों से खा रहे हैं। भाई खाने में शर्म मत करो बस, और हर जगह शर्म कर लो लेकिन खाने में शर्म मत करो। तो भाई सभी ने नाश्ता कर लिया है अंकित भैया को छोड़ के, आकाश भैया भाई तूने खा रहे है कैसा नाश्ता रहा, कैसा लगा आपका? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। Yeah, 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 y
भाई ये देखो क्या है यार, ये सच में इससे डर लग रहा है भाई। देखो वापस अंदर घुस गई। बाकी भाई फिलहाल आ चुके हैं हम घर पे और अभी हमने खाना खाया है जस्ट, और भाई बस अभी पहुँचे हैं हम लोग। अब आ रही है भाई पूरी रात की थकान की, अब नींद आ रही है, तो भैया वगैरह सब सो गए हैं, मैं फ्रेश फ्रेश होके आया था, तो इसलिए फिर मैं थोड़ी देर धूप खाने आ गया यार। नीचे ठंड लग रही है कमरों में, तो सोचा थोड़ी देर छत पर बैठ लेता हूँ। तो भाई अभी नींद आ रही है सच में, और अभी टाइम हो रहा है 4:30 का टाइम हो रहा है, तो भाई अभी सोऊंगा ना तो फिक्स है कि 8-9 बजे से पहले नींद नहीं खुलेगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना सो के मैं रात को ही सोऊं, क्योंकि अभी सो गया तो फिर रात को नींद नहीं आएगी। भाई रात को नींद नहीं आती फिर ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, डर लगता है गाँव में, देखो सीधी सी बात है। तो सोच रहा हूँ, यही चीज़ सोच रहा हूँ कि सोऊं या नहीं सोऊं। थोड़ी देर बैठता हूँ धूप में, देखो कितना टाइम अगर यहाँ पे ठीक है, अगर मन लगता रहा बैठा रहा टाइम निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे के बाद तो वैसे भी नींद नहीं आती भाई, तो इसलिए भाई मस्त धूप सेक रहा हूँ मैं तो आराम से यहाँ पे बैठ के। भैया और उनको भी बोला था भैया, और वो बोले कि हम तो सो रहे हैं यार, नींद आ रही है पूरी रात थक गए। भाई ये देखो वापस आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, आवाज़ सुन के वापस चली जाती है। ये देखो भाई सच में डर लग रहा है, फिर आने में भी डर लगता है भाई पीछे की साइड, ये पूरे जंगल सा है ना ये इनका, तो इसकी वजह से सांप भी रहता है यहाँ पे बताते हैं। तो भाई सच में यार देखो कितनी खतरनाक है भाई। तो भाई अभी हम बैठे थे, मैं अंकित भैया और मोहित भैया, तो भाई हम प्लान बना रहे थे कि अप्रैल मई में वहाँ चलते हैं केदारनाथ चलते हैं भाई, तो उस चीज़